चल मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आपका पेपर सेमेस्टर 3 में जो है आपको पढ़ना है सेक 3, इसमें एक आज का लेक्चर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये होगा कि आपने जानना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं। इस पोर्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जानना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जिस कंप्यूटर पर हम काम करते हैं या आप काम करते हैं वो किस टाइप का कंप्यूटर होता है, या जिस टाइप का कंप्यूटर में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं उस टाइप के कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद जो भी आपसे आपके पास क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका डेफिनेशन जो है ये कंप्यूटर का ही है। कंप्यूटर का डेफिनेशन बेसिक आपको पता है कि कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है, डेटा जो भी डाला जाता है डेटा, उस डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। और ये सब लोगों के लिए आज के एरा में जो काम जो है बहुत ज़्यादा आसान करती है, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन से जिस फील्ड में जाएँ, जिस सेक्टर्स में जाएँ, जिस एरियाज़ में जाएँ, वहाँ पर कंप्यूटर्स के यूज़ होते हैं, और कंप्यूटर का यूज़ करके काम को बहुत आसानी से और बहुत एफिशिएंट तरीके से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस द इनपुट बेस्ड ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट, यानी जो भी डेटा डाला जाता है, जो डेटा डाला जाता है वो डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और प्रोसेस होने के बाद ये जो है हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, जो वही आउटपुट जिसको हम चाहते हैं। कंप्यूटर की बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे सपोज अगर रोबोट की बात करें तो रोबोट भी इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन डालते हैं तो इंस्ट्रक्शन डालने के पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इसकी आउटपुट क्या है। तो पहले हमारा जो फोकस होता है वो आउटपुट पे होता है, आउटपुट के अकॉर्डिंग ही हम क्या डालते हैं, इनपुट डालते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं आगे, कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में कंप्यूटर्स को कैटेगराइज किया जा सकता है बेस्ड ऑन द साइज, सबसे पहले साइज़ के अकॉर्डिंग और उसके बाद बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग, दो तरीके से, एक साइज़ के अकॉर्डिंग और दूसरा डेटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया जाता है। तब हम आगे फर्दर देखेंगे कि कंप्यूटर के टाइप्स किसके अंदर क्या आते हैं। अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कंप्यूटर और सबसे सुपर पावर कंप्यूटर होता है उसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा सुपर कंप्यूटर का। उससे नीचे का जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अभी आप देखेंगे कहाँ कहाँ काम करता है, ठीक है ना, लेकिन जैसे यहाँ सिक्वेंस में है, ये इसकी सिक्वेंस यही है कि सबसे टॉप में सबसे हायर कॉन्फ़िगरेशन की होती है, सबसे वो ज़्यादा काम करता है, उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके बाद उससे नीचे वाला, मेन फ्रेम होता है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, मिनी के बाद वर्क स्टेशन होते हैं और वर्क स्टेशन के बाद माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। बहुत जगह अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्क स्टेशन नहीं रहता, तो आप 1, 2, 3, 4 को भी आप बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 5 को भी बता सकते हैं। तो सबसे टॉप में क्या हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया सबसे टॉप में, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, देन मिनी कंप्यूटर हो गया, देन वर्क स्टेशन हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। याद रखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज़ द पावरफुल कंप्यूटर अमंग दिस, निम्नलिखित में कौन सबसे ज़्यादा, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है, तो उसमें ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दिया रहेगा। तो आप चूँकि पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आप सुपर कंप्यूटर को आप टिक लगाएंगे। फिर आपसे पूछेगा सिक्वेंस क्या है, किस तरीके से ये सीक्वेंस, तो सीक्वेंस आप क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम देखेंगे, यहाँ सबसे पावरफुल कौन है और सबसे कम पावरफुल कौन है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लें तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी जो है इससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग के हिसाब से कौन कौन कंप्यूटर होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है, और तीसरा क्या होता है, हाइब्रिड होता है। याद रखेंगे डेटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। तो आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बेस्ड ऑन साइज के ये पाँचों कंप्यूटर्स के ब्रीफ में डेफिनेशन, हालांकि इसके एप्लीकेशंस में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत एप्लीकेशंस होते हैं और बहुत वीडियो जो है इसका बड़ा बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे क्या क्या इसकी यूजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चले सबसे पहले शुरू करते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। देखें सुपर कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल में, सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर, सबसे तेज काम करने वाला और सबसे बड़ा, दे आर डिजाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करने वाला कौन होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। आपको पता है दुनिया में कंप्यूटर के फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो आपका डेटा है,
ठीक है। अब जितने यूज़र्स बढ़ रहे हैं, जितने इसके एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, उतना जो है डेटा भी उसकी जो है डेटा की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को यूज़ करने वाला जो कंप्यूटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। ऐसे सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड। एक सेकंड में कितना प्रोसेस कर सकता है, ट्रिलियंस, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस, समझ सकते हैं आप कितना प्रोसेस को कर सकता है। इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर, यानी इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। हम लोग जो काम करते हैं जिस सिस्टम में हमारे पास या आपके पास, वहाँ पे हमारे पास कितने प्रोसेसर होते हैं, मात्र एक प्रोसेसर होते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर के पास कितने होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं जो सब मिलकर बहुत फास्ट काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर पार्टिकुलरली यूज इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। कहाँ पर यूज़ होता है, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, सच एज वेदर फोरकास्टिंग। हमें जो मौसम के बारे में खबर मिलती है, कल बारिश होने वाली है, कल क्या होने वाला है, तो वो वेदर फोरकास्टिंग कहलाती है। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, सुपर कंप्यूटर से। अब सुपर कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के एल्गो काम करते हैं जो हमें पहले से बता सकती है क्या होने वाला है। साइंटिफिक सिमुलेशंस एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, यहाँ यानी कि साइंटिफिक के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, क्या किससे समझते हैं, सुपर कंप्यूटर से। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई रॉजर ग्रे इन 1976, ये वाला आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर हो गया। दूसरा देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ 1000 से भी लोग क्या एक साथ काम कर सकते हैं। हमारे और सिस्टम में हम क्या करते हैं, सिर्फ मैं अपने सिस्टम में अकेला काम कर सकता हूं, आप अपने सिस्टम में अकेला काम कर सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेम में या सुपर कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को एक ही समय में सपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में, जो कि कंप्यूटर के अंदर में मेन चीज़ क्या होता है, प्रोसेस होता है, एक साथ में बहुत सारे प्रोसेस काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दीज फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मेक देम आइडियल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये मेन फ्रेम कहाँ यूज़ होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बैंकिंग में, टेलीकॉम सेक्टर्स में, जहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, विच नीड टू मैनेज एंड प्रोसेस हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा। देखिए जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेटा ही मिलेगा। तो बैंकिंग में चूंकि इसके अपने बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो इतने सारे कस्टमर्स के डेटा को अगर मैनेज करना हो तो फिर हम जो है इसका मेन फ्रेम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या है, मिनी फ्रेम या फिर मिनी कंप्यूटर। मिनी फ्रेम क्या होता है, ये मेन फ्रेम से छोटा होता है। इट इज़ अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। इट कंजिस्ट ऑफ टू और मोर प्रोसेसर, इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, और क्या कहता है, 400 से 200 यूजर्स एक साथ में काम कर सकते हैं। मिनी फ्रेम कंप्यूटर यूज इन इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ टास्क सच एज बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। और मिनी कंप्यूटर क्या होगा, किसके बीच में रहता है, लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम के बीच में कौन आता है, मिनी कंप्यूटर आता है, ठीक है। एज इट इज़ स्मॉलर देन मेन फ्रेम बट लार्जर देन अ माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम से छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ठीक है। अभी आपको बताएंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद देखिए वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर, एक ही यूज़र इसमें काम करेगा। दैट इज़ डिज़ाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन, किस लिए आखिर यूज़ किया गया, इसको डिज़ाइन किया गया टेक्निकल के लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। आपको मालूम है कि कंप्यूटर हर फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में काम करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, इट हैज़ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, इसका माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत स्पीड, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर्स, इसमें बहुत ज़्यादा रैम हाई अमाउंट के होते हैं और अडेप्टर्स होते हैं जहाँ पे जो ग्राफिक्स के काम होते हैं। इट जनरली परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक जॉब विद ग्रेट एक्सपर्टाइज, यानी कोई खास काम करना होता है तो फिर वर्क स्टेशन। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज ग्राफिक वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्कशॉप, ये इसके एप्लीकेशन से वर्क स्टेशन के। अब बारी आती है माइक्रो कंप्यूटर की, जिसमें हम और आप काम करते हैं, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, वो सब जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आती है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इट इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़, यानी माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ कैसे, किस लिए किया जाता है, जनरल पर्पस के लिए, जैसे हम और आप काम कर रहे हैं, और ये सिंगल यूज़र के द्वारा यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसमें क्या होते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
मेमोरी होते हैं, स्टोरेज एरिया होते हैं, इनपुट यूनिट होते हैं, आउटपुट यूनिट होते हैं। लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स कंप्यूटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स के। दे आर सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क दैट मे बी मेकिंग एन असाइनमेंट, वॉचिंग अ मूवी और एट ऑफिस फॉर ऑफिस वर्क। यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा सुपर कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये उससे बड़ा होता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर ये उससे बड़ा होता है। उसके बाद आप माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, कहीं कहीं आप इसको बीच में वर्क स्टेशन भी ला सकते हैं, लेकिन जनरली ये चार तरीके का जो होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये इसके सीक्वेंस है, ये कम पावरफुल, उससे ज़्यादा, ठीक है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से इसको देखा जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपको और भी बताया जाएगा कि इसके डायग्राम को दिखाकर कि कहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहले से प्रेडिक्शन आ जाती है, यानी कल क्या होने वाला है, बहुत हद तक जो चीज़ें हैं हमारे पास आ जाती है। तो उसका उन सब चीज़ों को जानने के लिए कौन कौन से सिस्टम या कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।